आज हम नेहारी बना रहे हैं, बीफ की नेहारी बनाएंगे। देखें, ये हमने बोंग ले ली है जो असल नेहारी की होती है, ये मींग की हड्डी, कुछ गद्दे भी लिए हैं देखें, और डेढ़ मीडियम साइज प्याज के स्लाइसेस काट लिए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, ये गार्निश इनके लिए लिया है। ये हमने आटा भून लिया है, लगभग एक से डेढ़ टेबल स्पून के करीब है ये, और इसकी हम स्लरी बना लेंगे इस तरह से। ये देखें, हम कुकर में ये प्याज फ्राई कर लेंगे। तीन से चार बड़े चम्मच हमने ऑयल डाल रखा है कुकर में, प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। हम शान नेहारी मसाला यूज़ करेंगे इसमें। ये मीट हमारा लगभग 800 ग्राम के करीब है, उसके हिसाब से हम इसका जस्ट हाफ डालेंगे। डेढ़ टेबल स्पून भरकर हम लहसुन अदरक का पेस्ट यूज करेंगे। देखें, प्याज हमने फ्राई कर लिए हैं और इनको थोड़ा सा टिश्यू पेपर पर डालकर फैला देंगे ताकि, और इन्हें एक साइड में रख देंगे। जब हमारी नेहारी तैयार हो जाएगी तब यूज करेंगे। गलाने के बाद बाहर इनकी मीन निकाल लेंगे। मसाला ऐड कर देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, 30 से 40 मिनट अच्छे से गलाएंगे। गोश्त देखें बहुत अच्छा गल गया है। आटे की स्लरी हमने देखें ऐड कर दी है इसमें, और उसके बाद थोड़ा सा चलाएंगे। पानी और ऐड करेंगे हम इसमें। बाद 10 से 15 मिनट हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाना है। बहुत अच्छे से मीट कर गया है, और अब हम नेहारी को डिश आउट कर रहे हैं। देखें, इसके बाद हम अदरक के जूलियन से, हरी मिर्चों से, हरे धनिए से गार्निश करेंगे इसे। बहुत टेस्टी नेहारी बनी है हमारी, कलर भी बहुत अच्छा आया है, मीट भी अच्छा गला है। तंदूरी रोटी से, नान से, लीमू के साथ आप खाएं, और बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेहारी बिल्कुल बनकर रेडी है।